वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज के जो नॉन टीचिंग जो वैकेंसीज पब्लिश हुई हैं उसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नॉन एकेडमिक पोस्ट या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम बेसिक इंग्लिश में देखते हैं। तो इसमें हम पहला है स्पॉट द एरर, आप उसमें जो अशुद्धियां हैं, जो त्रुटियां हैं, आपको वो पहचाननी पड़ेंगी, स्पॉट करनी पड़ेंगी। फिर दूसरे नंबर पे है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। तो इसके लिए आपको आना चाहिए अच्छे से आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजेक्शन, सुटेबल वर्ड्स इट्सेट्रा, इसके बेस पे आप फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से कर पाएंगे। फिर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसमें पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और जो विलोम शब्द होते हैं ये आपको इंग्लिश में तैयार करना होगा। फिर है स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड, स्पेलिंग में यदि कोई मिस्टेक होती है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है मिसचीवियस, इसमें जो सी एच आई के आगे जो स्पेलिंग रखी गई है उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे आप उसको कैच कर पाएँ। फिर है फ्रेजेस और आइडियम्स, तो इसमें ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको उसमें देखना होगा। और वाक्य सुधार या वाक्य संरचना सुधार, ये आपको इंग्लिश में तैयार करना होगा। अब आइए देखते हैं हिंदी में। तो फ्रेंड्स, हिंदी में आपको पढ़ना है जेंडर, लिंग है, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल और परसर्ग, तत्सम और तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, संधि और संधि विच्छेद, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, विराम चिन्हों का प्रयोग, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़नी होंगी। इसमें मैं कुछ चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ पुस्तकों के नाम, मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं उनके नाम और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम, ये चीज़ भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं मैथ में। तो इसमें सबसे पहले है नंबर सिस्टम, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, भिन्न, ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। फिर समय और कार्य के सवाल रहेंगे, समय दूरी के रहेंगे, औसत रहेगा, परसेंटेज पढ़ना होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो और प्रोपोर्शन, इसमें अनुपात और समानुपात, और लास्ट में मैथ में दिया है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको पढ़ना होगा। फिर आइए देखते हैं रीजनिंग में क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको रीजनिंग में देखना होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम और डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन और फिगरल क्लासिफिकेशन, ये आपको रीजनिंग में देखना होगा। फिर है नॉलेज ऑफ एमपी, इसमें है कल्चर, म्यूजिक एंड डांस ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का कल्चर कैसा है, म्यूजिक कैसा है और मध्य प्रदेश के जो लोक नाट्य हैं वो आपको पढ़ने होंगे। इसमें आपका जैसे म्यूजिक में आपको जो घराने हैं मध्य प्रदेश में, संगीत घराने, वो पढ़ने पड़ेंगे। डांस में लोक नाट्य जो मालवा में नाट्य होता है, बुंदेलखंड में होता है, बघेलखंड में होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। फिर है फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें रिवर, माउंटेन एट्सेट्रा हैं, तो आपको रिवर में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, टोटल लंबाई कितनी है, इसमें कौन सा बांध बना है, इस बांध से लाभान्वित ज़िले कौन से हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या नहीं है, कोई नदियां ऐसी भी हैं जो एक से दूसरे राज्यों तक जाती हैं, उनमें जो बांध बने हुए हैं उनसे कितने प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं, सीमावर्ती नदियां कौन हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सीमा बनाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। रिवर, इसी तरह माउंटेन में
सबसे ऊंची चोटी बघेलखंड की या मालवा की या बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस पहाड़ के अंतर्गत आती है, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ना होगा। फिर देखते हैं एग्रीकल्चर, कृषि, इकोनॉमी, इंडस्ट्री ऑफ MP, कृषि पढ़ना होगा आपको, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं, कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा सफल है और इंडस्ट्री ऑफ MP के अंतर्गत जो मंत्रालय संचालित हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे वस्त्र उद्योग निगम हो गया, लघु उद्योग निगम हो गया, इनका कार्यालय कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप इंडस्ट्री ऑफ MP में पढ़ना पड़ेगा। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, मोन्यूमेंट्स ऑफ MP में आपको जो किले हैं, गढ़ हैं और जो केव्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मोन्यूमेंट्स में पढ़ना होगा। पर्सनालिटीज अवार्ड्स ऑफ MP, तो पर्सनालिटीज़ में कौन से अच्छे नेता हुए यहाँ से, गायक कौन से हैं, खिलाड़ी कौन से हैं, वैज्ञानिक कौन से मध्य प्रदेश से अच्छे निकले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनालिटीज़ में, और नेताओं में यदि देखें तो प्रथम राज्यपाल कौन रहा, प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहा, ये सारी चीज़ें। अवार्ड्स ऑफ MP में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। पॉलिटिकल सिस्टम इन MP, इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या, इनका निर्वाचन अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल सिस्टम इन MP में पढ़ना होगा। फिर आते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर नॉलेज में, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स दिया हुआ है। फिर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, एप्रोम जो और होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको ब्राउज़र भी पढ़ना होगा, राउटर पढ़ना होगा, मॉड्यूलेटर पढ़ना होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वेब पढ़ना होगा, इनका आविष्कार कौन किया था, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी में जो कंप्यूटर के जनरेशन का डिफ्रेंशिएशन किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर इसमें एक और है AI वाला, तो AI से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है MS ऑफिस का, इसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। फिर है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इसमें इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, ये कॉमन क्वेश्चन इससे बनता है। तो आप फ्रेंड्स इस तरह से आप नॉन टीचिंग कैडर की जो वैकेंसी है, ये जो सिलेबस है फ्रेंड्स, ये MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर की तरफ से रिलीज किया गया है और जनरली जो है वो सबके लिए ही यही होता है नॉन टीचिंग कैडर के लिए। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।